राजस्थान की मॉडर्न मानसी दीक्षित का मर्डर उस माया नगरी मुंबई में कैसे हुआ और कैसे उस मर्डर का खुलासा हुआ, इस तमाम स्टोरी को लेकर आज द खटक पर मैं आया हूं, आपका अपना साथी भरत जांगिड़। देखिए पूरी ये क्राइम की स्टोरी। माया नगरी मुंबई की सड़कों पर रोजाना हजारों गाड़ियां दौड़ती है। 15 अक्टूबर 2018 को भी गाड़ियां दौड़ रही थी, उसमें से यह कार कुछ अलग थी। कार बुकिंग ऐप से मुंबई अंधेरी के इलाके मित्तल नगर से सांताक्रूज एयरपोर्ट के लिए एक कार बुकिंग हुई। शख्स के पास कार पहुंची और शख्स कार में बैठा। कार में बैठने के बाद लगातार वो लोकेशन बदल रहा था। आखिरकार उस कार ड्राइवर ने पूछ ही लिया, जाना कहाँ है साहब? तुझे पैसे दे रहा हूँ ना, तू तो चल। कार में एसी का टेम्परेचर फुल था, लेकिन कार में बैठे उस व्यक्ति के पसीने रुकने का नाम तक नहीं ले रहे थे। घंटों भर इधर उधर कार घुमाने के बाद आखिरकार उस व्यक्ति ने एयरपोर्ट के पास एक घने जंगल में ले जाकर कार को रुकवाया और डिक्की खोलकर उस सूटकेस को उतारने का प्रयास किया। जब उससे अकेले से सूटकेस नहीं उतरा तो उसने ड्राइवर की मदद ली और सूटकेस को नीचे उतरवाया और उसके बाद उस ड्राइवर को वहां से फ्री कर दिया। सूटकेस उतारने की जगह से कुछ ही दूरी पर ड्राइवर गया था, लेकिन ड्राइवर के मन में कुछ न कुछ डाउट था, खटक थी, इसलिए ड्राइवर वापस घूम फिर कर उसी जगह आ गया। उसने देखा कि घने झाड़ियों के बीच में वो बैग पड़ा है, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ नहीं है। उसके मन में कहीं न कहीं डाउट हुआ। उसने तुरंत पुलिस को फोन मिलाया और कुछ देर बाद पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर सूटकेस खोला तो सब जनों की आंखें दंग रह गई, क्योंकि उस सूटकेस में था 19 वर्षीय एक खूबसूरत लड़की का शव और उसके कपड़े जब देखे तो वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। बता दूं, इस सूटकेस में जो लाश थी वो राजस्थान के कोटा की रहने वाली मानसी दीक्षित की थी। वो माया नगरी मुंबई में मॉडर्न का काम करती थी, लेकिन पुलिस के मन में एक डाउट था कि आखिर मानसी का मर्डर किसने किया है और क्यों किया है। उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल तेज की। कार जो है वो ऑनलाइन ऐप से बुकिंग हुई थी, इसलिए उस व्यक्ति तक पहुंचने में पुलिस को कुछ ही घंटों का समय लगा और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था कि जो गिरफ्तारी में आया हुआ व्यक्ति है वो ना तो मानसी का दोस्त है ना ही मानसी का बॉयफ्रेंड, तो आखिरकार इसने मानसी का मर्डर क्यों किया। इस तमाम बातों को लेकर पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। मुंबई पुलिस ने इब्राहिम सईद से जब गहन पूछताछ की तो वो पूछताछ में टूट गया और उसने सारे राज उगल दिए। उसने पुलिस को बताया कि वो लगातार सोशल मीडिया पर मॉडल के फोटो देखता था। उसने फोटो देखते देखते एक दिन उसके सामने मानसी दीक्षित का फोटो आया। उसके बाद उसने सोशल मीडिया पर अपना एक फेक अकाउंट बनाया और उसके बाद मानसी दीक्षित को रिक्वेस्ट भेजी। रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट हो गई तो उसने मानसी दीक्षित को काम दिलाने के बहाने नंबर एक्सचेंज कर लिए और लगातार वो बातें करने लगा। हालांकि इब्राहिम सईद के पिताजी जो है वो हैदराबाद से है और मुंबई में ही रहते हैं। उसके बाद इब्राहिम सईद और मानसी जो है वो दोनों एक दिन मिलने भी पहुंचे। मिलने के बाद लगातार बात होती रहती थी और जब इब्राहिम सईद के पिता घर नहीं थे तब इब्राहिम सईद ने मानसी को फोटोशूट के बहाने अपने घर बुलाया और उसके बाद उसने मानसी के साथ जबरदस्ती करनी चाही। मानसी ने जब इस बात को लेकर मना किया तो उसके बाद उसने जो है आवेश में आकर मानसी के सिर पर स्टूल दे मारा। जब वो नीचे गिर गई तो उसके बाद सूज की रस्सियों से उसका गला घोट दिया और जब वो मौत के घाट उतर गई तब उसने उसकी लाश को जो है सूटकेस में डाल दिया और सुनसान